हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सानी और डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मिशन 2020 हम लेके चल रहे हैं, 2 जुलाई आज हो गई है और हिंदी का लेसन इंग्लिश का लेसन इसके बाद में आता है। तो डेली शाम के क्वेश्चंस आते हैं और डेली 5 से 10 के बीच में क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करते हैं। इनके अंदर भी और बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, लेकिन मेमोराइजेशन मैक्सिमम कैसे रहे उसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। तो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक डिटेल इंपॉर्टेंट है। और ये मान लीजिए कि अगर आप नॉर्मल जैसे और क्वेश्चंस होते हैं उसके तरह लेते हैं तो कम से कम 20-25 क्वेश्चन आपके डेली डिस्कस होते हैं इसके अंदर, क्योंकि मैटर बहुत सारा है। 30-40 पेज की स्लाइड होती है, तो वो जरूर से आप पीडीएफ ले लिया कीजिए। ये कोर्सेज हैं स्टडी आईक्यू के। आज नया मराठी चैनल भी स्टार्ट हो गया स्टडी आईक्यू का, तो ये ग्रोथ है और ये सारा डेडिकेशन और हार्ड वर्क है स्टडी आईक्यू के चैनल का। और जो भी इस पे फैकल्टीज हैं सब बहुत नॉलेजेबल हैं और मुझे छोड़ के बाकी हम लोग कोशिश करते हैं डेली सारे के सारे जो लेसन्स हैं वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन्स हैं। तो ज़रूर से देखिए और 24 घंटे आप इससे कनेक्टेड रह सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट एक चैनल है, इन नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हो। और ये जो वेबसाइट का एड्रेस है जहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इस फेसबुक ग्रुप पर मैं अपलोड करता हूँ, टेलीग्राम का लिंक भी इस पर दिया हुआ है और इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। क्वेश्चन है त्रिनेत्रा या ट्राई नेत्रा, कुछ भी आप इसको बोलें, ये क्या है? तो ना तो ये कोई ड्रोन है, ना ही कोई ये वार्निंग सिस्टम है एनिमी प्लेन्स के लिए, लेकिन हाँ ये जो इशू चलता है, जैसे कि नेत्रा इस तरह के नाम जो होते हैं अस्त्रा, ये सब मिसाइल्स के और इन सब के नाम होते हैं, और कोई कोई शिप्स है, कोई सबमरीन है, इस तरह के नाम होते हैं। लेकिन ये वाला ट्राई नेत्रा एक वेल टेस्टेड और बहुत पुराना एक इशू चलता आ रहा है, कुछ सालों से ये बात चल रही है। ट्रेन्स में ये यूज़ होता है, इमेजिंग सिस्टम है ये। और इसमें ऐसे मान लीजिए कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स वगैरह यूज़ होती हैं और जो ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स का जो फॉगी कंडीशन के अंदर, सर्दियों के अंदर फॉगी कंडीशन होती है तो ट्रैक का पता नहीं लगता है, और टेम्परेचर के कारण पटरियों में कुछ चेंजेस भी आ जाते हैं, तो उस ट्रैक के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसको जांचने के लिए और त्रिनेत्र सिस्टम का जो ट्रायल है वो लिया गया है और उसको लगाया जाएगा ट्रेन्स के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और हमारे देश के अंदर इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, बात बुलेट ट्रेन की है लेकिन जो नॉर्मल ट्रेन्स हैं उसके भी इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनको कैसे रोबस्ट बनाना है इसके रिगार्डिंग बहुत डिस्कशन चलता है। तो त्रिनेत्रा इमेजिंग सिस्टम है लोको पायलट्स को असिस्ट करने के लिए, लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं। तो टेरेन इमेजिंग फॉर ड्राइवर इंफ्रारेड एनहांस्ड ऑप्टिकल एंड रडार असिस्टेड, ये टेक्नोलॉजी है, तो इसका नाम है त्रिनेत्रा। और 2002-03 में भी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी लेकिन बाद में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, उसके बाद में त्रिनेत्रा सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया और ये पूरी तरह से मॉडर्न है। और आप देख सकते हो इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का भी यूज़ हो रहा है और रेडार इमेजिंग इसमें यूज़ हो रही है और फॉगी कंडीशन के अंदर अधिकतर ये काम करता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ट्रैक के ऊपर है तो ये उसकी लाइंस को पूरा ऐसे इमेजिन करेगा। उसमें कैमराज भी लगे हुए हैं जो कि विजिबल रेंज के अलावा भी कई तरह की रेंज जो होती हैं, जो स्पेक्ट्रम के, जो विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा भी जो जो वेव्स को देख लेती है, तो उससे पता पड़ती है कि ये जो ट्रैक है वो स्मूथ है कि नहीं आगे आगे, और अगर नहीं है तो फिर ये वार्निंग अलर्ट करेगा और फिर ट्रेन को रोक दिया जाएगा। तो ये सारा सिस्टम है और ये इमेजिंग एक तरह से टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें वेव्स दूसरी होती हैं। वेव्स का मतलब कैसे बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उसमें एक पर्टिकुलर रेंज है, उस रेंज की जो वेव्स होती है वही हमारे लिए विजिबल रेंज होती है, जो चीज़ों को हम देख रहे हैं आंखों से तो वही विजिबल होता है। एक आपने नाम सुना होगा इंफ्रारेड, जैसे हीटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे बॉडीज हैं हमारे, हमारी बॉडी में से हीट निकलती है, तो रात के टाइम पर जैसे सांप देखता है, सांप हीट को, हीट के सेंसर्स होते हैं सांप की आंखों में, तो वो हीट से पता कर लेता है कि कौन कौन इंसान किधर मूव कर रहा है, तो हमारी तरह नहीं दिखता सांप को, सांप को अलग तरीके से दिखता है। जैसे हम देखते हैं कई बार कि नेगेटिव इमेज जो होती है, जो एक पहले कैमरे में नेगेटिव आता था साथ में, उस तरह के कुछ दिखती है उसको, लेकिन वो हीट के कारण होती है और वो इतना एग्जैक्ट होती है कि इंसानों की आंखों से ज़्यादा एग्जैक्ट सांप की वो जो सेंसर्स हैं वो होते हैं, जबकि वो आंखें नहीं होती हैं, लेकिन उसको हीट से पता लग जाता है सारा। तो इंफ्रारेड रेज निकलती हैं उससे, धरती से भी निकलती हैं, जिससे वो ट्रैप होके ही तो क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो इंफ्रारेड रेंज है, रेज हैं, तो वो इंफ्रारेड रेज भी इसमें कैप्चर होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है लेसा, इसका भी न्यूज़ आया था पहले, मैंने आपको पढ़ाया भी था। लेसा जो है ये क्या चीज़ है, ये क्या नई स्पीशीज पर सुपर बग्स की, सुपर बग क्या होते हैं, सुपर बग्स वो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो जाते हैं जिस पर कोई दवाई काम नहीं करती है और वो बहुत मजबूत बन जाते हैं वो बैक्टीरियाज। नेसा का सेटेलाइट भी है, लेसा नहीं है, हालांकि रिलेटेड है ये नेसा से, लेकिन ये सेटेलाइट नेसा का नहीं है और ना ही ये कोई लिक्विडिटी एसेट मैनेजमेंट का कोई ऐसा इस प्रकार का एक्ट है कोई नया जो आया है, ठीक है। ये है इमरजेंसी सिस्टम है एस्ट्रोनॉट्स के लिए, लूनर सर्फेस के लिए। देखिए लूनर मतलब चांद की सर्फेस जो है वो, उसके ऊपर कोई एटमोसफेयर नहीं है, तो कोई भी जो है रेज वगैरह आती है वो सीधी सर्फेस से टकराती हैं, कोई उल्कापिंड गिरेगा सीधा उसकी चांद की धरती पे आएगा,
और फिर वहां पर आपने देखा होगा खड्डे पड़े हुए बहुत सारे, वो खड्डे इसी कारण है क्योंकि कोई भी चीज आकर टकराती है तो वो सीधा सरफेस से टकराती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसके अंदर, एटमॉस्फेयर नहीं है चांद की चारों तरफ, इसलिए बड़ा ही खतरनाक सरफेस होता है और वहां पर कुछ भी हो सकता है। अगर एस्ट्रोनॉट जाते हैं और वहां पर थोड़ी देर भी रहते हैं तो वो किसी भी चीज से उनकी उनका एक्सीडेंट हो सकता है और वहीं पर मारे जा सकते हैं। इसलिए इमरजेंसी, और ये इवैक्यूएशन सिस्टम है, इवैक्यूएशन सिस्टम है लूनर सरफेस के लिए, तो ये असिस्टेंस है एक तरह का इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। और जो समुद्र का तल होता है वो भी कुछ चांद की धरती की तरह ही होता है एक तरह से, चांद की जो सरफेस है, और वहां पर इसके ट्रायल्स चल रहे हैं, देखिए ट्रायल्स कर रहे हैं। और ये इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली है और लूनर इवैक्यूएशन है ये, मतलब चांद से रिलेटेड, तो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने डेवलप किया है, लेकिन ये नासा का जो आगे मिशन आएंगे वहां पर भी काम आएगा क्योंकि इसमें इतना शानदार ये तरीका है कि बहुत जल्दी जो है इसमें 10 मिनट के अंदर अंदर को स्ट्रेचर पर लिटाकर और कोई पर्टिकुलर जो प्रेशराइज सिस्टम है, कोई लैंडर है, कोई मतलब शिप वहां पर है, स्पेसशिप जो है उसके अंदर भेजा जा सकता है जल्दी से, कोई भी चोटिल अगर होता है तो कोई एस्ट्रोनॉट गिर जाए वहां पर, तो इसलिए तो वो बड़ी खतरनाक कंडीशन होती है, मिनट मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट वहां पे होता है और बहुत जल्दी जान जा सकती है किसी भी एस्ट्रोनॉट की, थोड़ा सा भी एक्सीडेंट होता है तो ये वहां पर काम आएगा, ठीक है। और सिंगल एस्ट्रोनॉट भी इसको यूज कर सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और नासा का जो 2024 का मून मिशन है और उसके लिए ये इवैक्यूएशन सिस्टम असेंबली को टेस्ट कर रहे हैं लेसा को, पिरामिड लाइक ये स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड जैसे कि आप जानते हो पिरामिड ऐसा होता है, तो इस तरह का है। और स्पेस वॉक है, ये सब करनी पड़ती है आजकल कई तरह के, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक करने के लिए आप जो ये उस तरह का होता है, और जो मतलब स्पेस वॉक होता है, जैसे कि धरती पे तो ग्रेविटेशन है लेकिन वहाँ स्पेस में ग्रेविटेशन नहीं है, तो वहाँ पर हवा में चल सकते हैं, तो वह हवा तो नहीं होती लेकिन वो स्पेस होता है, स्पेस पे चल सकते हैं हम ये, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, कोई आपको नीचे सरफेस पे नहीं लेके जाने वाला है, इसलिए स्पेस वॉक वगैरह करते हैं तो वो बड़ी डेंजरस होती हैं और उसमें कोई चोट वगैरह लग जाती है तो फिर बड़ा इशू हो सकता है। नेक्स्ट, ड्रैगन फ्लाई मिशन, एक और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही है, ये सैटर्न प्लैनेट के ऊपर भेजा रोवर नहीं है, रोवर होती है गाड़ी जैसा, जैसा कि मार्स के ऊपर जो क्यूरियोसिटी रोवर घूम रहा है, ठीक है, उसके ऊपर पूरे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कोई इस तरह का है, कोई ऐसे अलग अलग का, तो वो गाड़ी घूमती है जो, वैसा रोवर नहीं है ये ड्रैगन फ्लाई एक मतलब ड्रैगन डिजाइन जो है उस तरह का दिया गया है इसको, मतलब कि फैंस होंगे जैसे ड्रोन होता है, ड्रोन उस तरह का होता है ये, इस पर ये मशीन लगी होगी और ये एकदम वर्टिकल लैंडिंग करेगा, सीधा ऐसे कैसा आके नीचे टिक जाएगा और ऐसा कैसा ही उड़ जाएगा और चला जाएगा, जैसे आपने हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा वैसा होगा। लेकिन ये कहाँ के लिए भेजा गया है, ये टाइटन पे भेजा जाएगा जो सैटर्न का मून है सबसे बड़ा, और सोलर सिस्टम में सेकंड नंबर का सबसे बड़ा मून है टाइटन, और ये रोवर नहीं है, ये एक अलग से ही एक पर्टिकुलर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोल सकते हो एक गाड़ी जैसा सा ही होता है, लेकिन ये वैसे मूव नहीं करता है, ये वर्टिकल लैंडिंग करेगा और उड़ जाएगा वहां से। क्यों इसको भेजा जा रहा है, इशू ये है कि धरती के अलावा अकेला एक ऐसी जगह है टाइटन जो मून है सैटर्न का, जिस पर लेक्स हैं और ओशंस हैं, लेकिन ये नॉर्थ पोल के पास में मिले हैं और ये पानी से नहीं बने हुए हैं, ये आपको याद रखना है, ये हाइड्रोकार्बन से बने हुए हैं, मीथेन के हो सकते हैं और इथेन के हो सकते हैं, ये सारे इस तरह के ओशंस उसमें हैं और उसकी लेक्स और रिवर्स इस तरह के मिली हैं वहाँ पे सिस्टम सारा। लेकिन इशू ये है कि जो माइक्रोब्स कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो कि हाइड्रोकार्बन पर भी जिंदा रहते हों, क्योंकि अर्थ पर भी ऐसे पाए गए हैं जो कि हाइड्रोकार्बन पर जिंदा रह सकते हैं, तो वो हो सकता है वहां पर ऐसा हो, या फिर वो जो है वहां पर जो लिक्विड सारा मिला है वो धरती जब शुरू हुई थी, यहां पर जीवन स्टार्ट हुआ था, तो एक प्राइमोर्डियल सूप नाम से, मतलब सूप जो आप पीते हो उस तरह का एक लिक्विड बन गया धरती के ऊपर, उसी के अंदर ही लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स स्टार्ट हुए थे, तो हो सकता है वो प्राइमोर्डियल सूप वहां पर बन रहा हो और फ्यूचर में वहां पर लाइफ पॉसिबल हो। लेकिन वो हमारी एक लाइफ में देखना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते लेकिन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो टाइटन के ऊपर हम ये भेजेंगे। और टाइटन बिगेस्ट मून नहीं है सोलर सिस्टम का, आपको याद रखना है, बड़ा ही यूनिक एक जगह होती है, उसका कलर भी ग्रीनिश है और बड़ा ही शानदार है। हाँ, ये हो सकता है कि इसके अंदर वाटर के भी और अंडर द सरफेस कोई हो सकता है कि आइस का लेयर हो, और वैसे वाटर का आइस मिलता भी है धरती के अलावा भी, लेकिन जो है उसमें डिफरेंस है बहुत सारा और लाइफ वहाँ पर अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है। हालांकि इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत सालों से है साइंटिस्ट के पास में कि वहाँ पर हाइड्रोकार्बन की लेक्स मिली हैं। तो पहला गलत, दूसरा भी गलत क्योंकि वाटर का नहीं है, तीसरा भी गलत क्योंकि बिगेस्ट नहीं है, तो डी नन इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेसा जिसको बोलते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है प्लान ड्रैगन फ्लाई ड्रोन भेजने का, तो ये ड्रोन हेलीकॉप्टर है
और बिल्डिंग ब्लॉक्स वहां पर ही ढूंढेगा। इसलिए एस्ट्रोबायोलॉजी का ये सब्जेक्ट है। एस्ट्रोबायोलॉजी मतलब कि स्पेस में कहीं और लाइफ वगैरह से रिलेटेड कोई इशू होता है तो एस्ट्रोबायोलॉजी में होता है। तो ये 2026 में भेजेगा और 2034 में 8 साल बाद वहां पर ये पहुंचेगा, क्योंकि टाइम लगता है शनि ग्रह पर पहुंचने में। और एक न्यू होराइजन प्रोग्राम है इनका, आपको पता है कि जो न्यू होराइजन के अंदर ही और उन्होंने वो भेजा था जिसने प्लूटो की पिक्चर्स ली थी, ठीक है। तो वो सॉरी न्यू होराइजन तो उन्होंने उसका नाम था, न्यू होराइजन तो उस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट का नाम था जिसने पिक्चर ली थी प्लूटो वगैरह के, और जो और आगे क्यूपर बेल्ट में चला गया है। प्रोग्राम का नाम है न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम, नए फ्रंटियर ढूंढना स्पेस में। तो ये उसका चौथा मिशन है, ये ड्रैगन फ्लाई जो है चौथा मिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये नासा का ही है और ये 27 जून 2019 को ये सेलेक्ट हुआ है, तो ये 2026 में भेजा जाएगा, ठीक है। और ये जॉन हॉपकिंस अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी जो है उसने इसको प्रपोज किया था इस मिशन को। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैबिटेबिलिटी कि मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जगह जो है अलग अलग, जहां पर जो धरती के अलावा जो जगह है वहां पर कोई सेटलमेंट हो सकता है, क्या हम उस पर रह सकते हैं, क्या ऐसी कंडीशन वहां पर है, ये सब ढूंढते हैं वहां पर, ठीक है। और ये भी ऐसा ही काम करने वाला है वहां जाके, ये ढूंढेगा ऐसी कंडीशन को। तो ये रोबोटिक रोटर क्राफ्ट है, रोबोटिक रोटर क्राफ्ट ड्रैगन फ्लाई नासा का होगा, ये इस तरह का होगा देखिए ऐसा, और ये जाएगा ऐसा, ये इसमें फैंस लगे हुए हैं और ये देखिए इससे उड़ रहा है और ये ऐसे कैसा उड़ के और फिर ये मतलब ये उड़ जाएगा ऐसे और ये लैंड ऐसे करने वाला है सीधा, ठीक है। तो ये सारा सरफेस कहाँ का है, टाइटन का है, सैटर्न का मून है। बड़े ही यूनिक, बड़े ही शानदार, इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स हैं, जितना पढ़ोगे उतना ही मजा आपको आएगा। ये जो मून है टाइटन बड़ा ही यूनिक है, सैटर्न प्लैनेट खुद बहुत ज़्यादा यूनिक है, उसके चारों तरफ जो रिंग मिलती है वो बड़ी यूनिक रिंग्स हैं, और इसके अलावा भी जो मून्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ें, तो जितना बताऊं उतना आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, बहुत ही यूनिक चीज़ है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इतना जो भी डिटेल जरूरी है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये इश्यूज है सारे, ठीक है, जो कि ढूंढेगा। इसमें रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर भी लगा हुआ है, तो ये इसमें मल्टीपल डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जाने वाला है। नेक्स्ट बात करें टाइटन की, तो सैटर्न का ये मून है, उसको ऑर्बिट करता है, चारों तरफ उसके घूमता है, सेकेंड लार्जेस्ट मून है इस सोलर सिस्टम के अंदर। और क्रिश्चियन ह्यूजेंस जो डच एक एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने ढूंढा था। 90% एटमॉस्फेयर इसका नाइट्रोजन से बना हुआ है, धरती पे कितना है 78% नाइट्रोजन है, तो ये 90% ऐसा है, तो धरती जैसा सही इसका एटमॉस्फेयर है, लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 4 गुना डेंसिटी इसकी है। और ये 16 दिन में इतने बड़े सैटर्न प्लैनेट का चक्कर लगा लेता है, लेकिन हमारा जो मून बहुत छोटा है उसको 30 दिन लग जाते हैं, मतलब 27 दिन और कुछ मतलब घंटे लगते हैं उसको। और इस पे सीज और लेक्स मिली हैं सरफेस के ऊपर जो कि लिक्विड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई हैं, ठीक है। अकेले ऐसी जो बॉडी है सोलर सिस्टम के अंदर जो अर्थ के अलावा जहाँ पर इस तरह का ये लिक्विड लेक्स वगैरह ये सब मिलती हैं। नेक्स्ट गैनीमेड जो सबसे बड़ा मून है सोलर सिस्टम का, सबसे बड़ा मून, अगर ये टाइटन के बारे में बात करते हैं तो गैनीमेड के बारे में भी करनी पड़ेगी, टाइटन के से भी बड़ा ये गैनीमेड है मून, सबसे बड़ा 79 मून होते हैं जुपिटर के, 79 सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे बड़ा गैनीमेड है। और ये इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, इतना बड़ा है ये मार्स से भी बड़ा है। और इसका जो डायमीटर है वो 5000 किलोमीटर से भी ऊपर का है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और गैलीलियो गैलीली ने इसको 1610 में ढूंढा था, गैलीलियो गैलीली ने 1610 के अंदर, तो ये बड़ी खोज थी। और इसमें जो है थोड़े मात्रा में ऑक्सीजन भी देखी गई है मॉलिक्यूल्स के रूप में इसके सरफेस के ऊपर, तो गैनीमेड बहुत बड़ा है और रॉकी मटेरियल है सारा, और हो सकता है कि इसके अंदर अंडरग्राउंड ओशंस हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये जो सैटर्न और जो जुपिटर के जो मून्स हैं वो बड़े मिस्टीरियस हैं और बड़े ही यूनिक हैं और इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसमें कई डिस्कवरीज हो सकती हैं फ्यूचर के अंदर, क्योंकि वो बहुत दूर है इसलिए इतनी हमारे पास कैपेसिटी अभी तक डेवलप नहीं कर पाया है धरती का साइंस कि वो उसको ढूंढ पाए, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि जुपिटर सैटर्न ये बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। सैटर्न जुपिटर पे तो अंदर हम जा ही नहीं पाए अभी तक, इतना हार्श एनवायरनमेंट वहाँ पर होता है, और उसके बारे में बस जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, किस तरह का कोर है, ये सब बस उतना हम जानते हैं। वहाँ पर ऐसी ऐसी लेयर्स हैं, आगे आने वाले जो प्लैनेट्स हैं जैसे यूरेनस नेपच्यून वगैरह जाते हैं उधर, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर एक लेयर जो है उसके कोर के अंदर और उसके जो कॉम्पोजिशन के अंदर वो हीरे की है, और जो मेटलिक हाइड्रोजन भी वहाँ पे मिलती है, मतलब हाइड्रोजन गैस जो इतनी लाइट गैस है वो मेटल फॉर्म में भी वहाँ पे मिलती है। ये इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जुड़ी हुई हैं उन सबसे, ठीक है। नेक्स्ट कैलिस्टो है जो कि जुपिटर का और सेकंड लार्जेस्ट है, वैसे थर्ड लार्जेस्ट हो गया सोलर सिस्टम का।
तो ये एक बड़ा ही एपेथेटिक है, इसके अंदर कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हुई है, और फार्देस्ट मून है जुपिटर का, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। सोल्टी सी इसका हो सकता है अंडर द सर्फेस, ये इसका डिटेल है। एक है आयो, आयो बड़ा यूनिक है, आयो के अंदर बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, बहुत ही ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी, और धरती जैसे जितना एक्टिव है, धरती के बाद में यही ऐसी बॉडी है जो सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा एक्टिव है, तो इसमें लगातार जो है इसके अंदर वोल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है, और इससे जो भी मैटर निकलता है वो, क्योंकि ये जुपिटर का मून है तो जुपिटर की जो मैग्नेटोस्फीयर है चारों तरफ जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको कैप्चर कर लेता है, और वो उसको फिर अपने चारों तरफ जो है ऑर्बिट करवाने लग जाता है, और बहुत ही स्पीड से करता है, और ये रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है जो कि इसके अंदर से सर्फेस से निकलता है, और ये बड़ा यूनिक एक एनवायरमेंट क्रिएट करता है वहां पर, और जो जुपिटर को एकदम ऐसा बना देता है कि अभेद्य बना देता है, और वो जो लाइट रेडिएशन वाला जो मॉलिक्यूल सारे हैं वो ऐसे कैनन्स की तरह घूमते हैं चारों तरफ उसके, तो बड़ा ही गजब का एक सिस्टम है ये, और ये समझ से परे है कि ये कैसे पॉसिबल होता है, क्या सब चीजें हैं, लेकिन ये यूनिक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इसके आयो के अंदर मिलती है, इसके एटमोसफेयर के अंदर, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जिसके बारे में यूपीएससी पूछ सकता है। नेक्स्ट, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई, पीएमआई वेयर मैंने आज सुबह ही बताया है कि ये इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के अंदर ही होता है, बिल्कुल सही है, और ये एवरी ईयर बिफोर बजट नहीं आता है, ये मैंने आपको बताया कि हर महीने के बाद में, और ये लगभग पहले दिन ही आ जाता है, महीना जब शुरू होता है उसी टाइम ही आ जाता है, रिलीज हो जाता है, लेकिन उसमें कोई रोबस्ट डेटा नहीं होता है, ये बस एक इंडिकेशन देता है कि हाँ इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, इस पिछले मंथ में ऐसी चली है, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के रिगार्डिंग ही आता है, और इसमें स्कोर होता है 50 से नीचे है इसका मतलब इकोनॉमी में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, और अगर 50 से ऊपर इसका मतलब इकोनॉमी में एक्सपांशन है, एक्सपांशन मतलब ग्रोथ अच्छी है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि ग्रोथ नहीं है, कमजोरी चल रही है, तो ये अभी 52.1 पे है, और अभी थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और स्कोर जो है वो 50 से ऊपर ही है अभी तक, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी स्ट्रगल कर रहा है, ये भी एक सच बात है, तो इसका मतलब जो है अबव 50 ये हाई ग्रोथ होगा, लो ग्रोथ नहीं होगा, ये गलत है, और ये भी गलत है, और ये सही है, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर जो है इन दोनों का अलग से सेपरेट ये डेटा निकालता है, लेकिन फिर बाद में एक कॉम्पोजिट इंडेक्स बना दी जाती है जिसको बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और ये बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर्स को बहुत हेल्प करती है, इन्वेस्टर्स भी इसके ऊपर वॉच रखते हैं क्योंकि ये एक इंडिकेशन देता है कि भाई इकॉनमी इस तरह की चल रही है, तो ये यूनिक चीज है, और ये शुरुआती तौर पर जबकि और रोबस्ट डेटा अवेलेबल होते हैं तब तक ये एक अच्छा डायरेक्शन बताता है कि किस तरह से इंडस्ट्रियल आउटपुट की स्थिति है और सर्विसेज में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या हाल है देश का अभी, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से जो फीचर्स हैं वो इंडियन ओशन रियल्म से एसोसिएटेड हैं, रिलेटेड हैं, आर्या एक्ट, एशिया रीअश्योरेंस, और ये एक्ट है अमेरिका का, ये एक्ट है आर्या एक्ट, लेकिन ये जो एक्ट आया था दिसंबर 18 के अंदर, इसके अंदर अनाउंस हुआ था कि इन्होंने और जो पैसिफिक जो विंग उनकी है उसको इंडो पैसिफिक नाम दे दिया था, ठीक है, इंडो पैसिफिक उसका नाम कर दिया है, तो इंडिया उसमें जोड़ दिया गया है, और ये थोड़ा सा इंडिया को उसमें अट्रैक्ट करने के लिए, लुभाने के लिए है, क्योंकि उसको वहां पर प्रेजेंस चाहिए और काफी एक्टिव अमेरिका चाहता है कि वहां पर हो इंडियन ओशन के अंदर, तो उसने इसका नाम जो है बदल के रख दिया है, तो ये इंडिया के फेवर में माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उस अपने इंटरेस्ट को देख रहा है अमेरिका, तो ये चीज है, तो आर्या एक्ट उसी चीज के रिगार्डिंग है, और ये इससे रिलेटेड है, आईपीआरडी भी इससे रिलेटेड है। क्वाड ग्रुप के बारे में मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ, क्वाड ग्रुप जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया और यूएस और जापान चार देश इसमें है, और ये भी इंडियन ओशन के ही रिगार्डिंग है, और IONS नेवल सिंपोजियम है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, तो ये भी और इंडियन ओशन से ही रिलेटेड है, तो चारों इससे रिलेशन है रखते हैं, डी ऑल इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑल। ये देखिए इंडो पैसिफिक हैज बीन गेनिंग अट्रैक्शन इन इंडियन पॉलिसी, और देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो हमारी है उसने इंडो पैसिफिक विंग नई बनाई थी, और उन्होंने बोला कि आसियान और जो क्वाड ग्रुप है और जो हमारा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जो है इन सबको हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इसी फ्रेमवर्क के अंदर इसको डालेंगे, और ये सारा इसमें डिस्कस होगा जितनी बार भी इसके बारे रिगार्डिंग बात होगी, तो ये इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है एक तरह से जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, ठीक है, जिसके अंदर जो इंडियन ओशन के चारों तरफ जितने भी देश हैं वो एक तरह से इसमें शामिल होते हैं, और शांग्रीला डायलॉग एक होता है, देखिए एशिया का पहला सिक्योरिटी डायलॉग है ये, और 2001 से चल रहा है, और इसी लाइन्स पे हमारे इंडिया ने क्या स्टार्ट किया था,
जो हमारा रायसीना डायलॉग है वो हमने स्टार्ट किया 2016 में किया था, तो रायसीना डायलॉग है जिसका चौथा भी हुआ था 2019 के अंदर ही। तो शांग्रीला डायलॉग जो है पहला है, शांग्रीला एक सिंगापुर में होटल था वहां पर ये पहले हुआ था, तो शांग्रीला डायलॉग के नाम से स्टार्ट हुआ। तो जून 18 में जो शांग्रीला डायलॉग हुआ था उसमें भी हमने इसकी बात की थी इंडो पैसिफिक एरिया की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए और यूनिक हो गया हमारे लिए, ठीक है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो भी इसमें हम शामिल करने वाले हैं। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो है वो हमारा हम कन्वीन करते हैं और कई सालों से चल रहा है, और सारे जो रीजनल जो कंट्रीज हैं इनका कोऑपरेशन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। और ये देखिए इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग है IPRD, ठीक है, ये भी इन्हीं अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस की बात करता है। इसके ये जो 2018 में ही ये लिया गया था, स्टार्ट हुआ था, पहला एडिशन हुआ था, और 19 में दूसरा एडिशन इसका हुआ था मार्च के अंदर, ठीक है। तो दो इसके एडिशन हो चुके हैं इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के, और इसमें अलग अलग थीम्स ली गई हैं, जैसे कि कुछ सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, कुछ कनेक्टिविटी के मॉडल्स के रिगार्डिंग है, कुछ इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग है, सब चीज़ों के रिगार्डिंग है। और कनेक्टिविटी पहला बात है और अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना, ये पहला इसका गोल है। और इस बार जो हुआ उसके अंदर भी यही बात है कि एक तो इंडस्ट्री 4.0 जो है, जिसका मतलब नया जो इंटरनेट बेस्ड एक टेक्नोलॉजिकल नया वर्ड चल पड़ा है इंडस्ट्रीज के एरिया में, और नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आ रहा है जिसको 4.0 बोला जा रहा है, उसकी अपॉर्चुनिटीज इसमें देखना, सागर और सागरमाला के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कॉन्सेप्चुलाइज करना, ब्राउन इकोनॉमी से हमें ब्लू इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, मतलब कि मैरिटाइम इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, ऐसे रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज करना है और उसको बढ़ाना है, एक्सप्लोइट करना है और उसमें ग्रोथ करनी है। तो काफ़ी एक अनटैप्ड एक रीजन है, ठीक है, जो मछली पकड़ने के अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं है मैरिटाइम एरिया के अंदर, तो इसलिए उसको भी हमें टैप करना है, बहुत उसमें पोटेंशियल है, सारा ट्रेड वगैरह जैसे आता है, तो ये सब चीज़ें जो है सिस्टमेटिकली इसको इंक्रीज करना है। तो ये अपॉर्चुनिटीज का मामला जो है वो IPRD के अंदर आता है, क्योंकि ये रीजनल डायलॉग है तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस बार मानेकशॉ सेंटर दिल्ली में ये हुआ था मार्च में, सेकेंड एडिशन। IONS की बात करें तो ये इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है और 2008 से चल रहा है ये, और उसमें कई कंट्रीज भाग लेती हैं, इंडियन ओशन से रिलेटेशन जो रखती हैं अपना अपना उनका शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन वगैरह को, ठीक है। तो ये भी ऐसा सही एक फोरम है डिस्कशन का, तो ये फोरम है इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम और ये इंडियन नेवी का है, ठीक है। ये देखिए ये क्वाड ग्रुप है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसकी बात उस क्वेश्चन में आई थी, ऑप्शन में आई थी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग QSD है, और इसमें ही ये चार देश हैं जिसको मैंने बताया था कि ये स्टार्ट हुआ था 2007 में, फिर ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो बने थे जो जिनका नाम था केविन रड, उन्होंने इसको बोला कि हम इसमें एक्टिव नहीं रहना चाहते हैं, जो यूएस चाइना का जो पंगा सारा इंडियन ओशन में है उसमें हम नहीं इन्वॉल्व होंगे, तो उन्होंने पांव अपने पीछे खींच लिए। फिर 2010 के बाद में फिर से बात उठी इसकी, और 2017 में और शिंजो आबे के एफर्ट से फिर से ये स्टार्ट हो गया है। तो अभी ये 2017 के बाद में से ही बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो गया है क्वाड ग्रुप, इसमें चार देश हैं जो एक जैसे से हैं। नेक्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, अभी एक इंडियन जो राइनो है उसकी पोचिंग रोकने के लिए 80 मेंबर्स की एक टास्क फोर्स बनाई गई है और काजीरंगा में बनाई गई है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, काजीरंगा नेशनल पार्क ये वर्ल्ड राइनोसेरोस का क्या 2/3 नंबर यहाँ पर है, और ये क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? देखिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बिल्कुल है, काजीरंगा है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ आपको वर्ड्स पढ़ने हैं ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड के राइनोसेरोस जितने भी हैं जो गेंडे हैं वो सारे उसका 2/3 का इंडिया में मिलता नहीं, जो पर्टिकुलर जो वन हॉर्न राइनोसेरोस है उसका 2/3 जो है वो यहाँ पर मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सारे राइनोसेरोस तो बहुत सारे हैं, अफ्रीका में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, तो उसका 2/3 इंडिया में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। स्पेसिफिक जो एक कैटेगरी है जो नेटिव है इंडिया की, उसका 2/3 यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट, काजीरंगा में हाईएस्ट डेंसिटी टाइगर्स की थी, 2006 में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था, तो ये थी यहाँ पर, लेकिन अभी ओरांग जो बना था, जो 49th टाइगर रिजर्व बना ओरांग, उसका एरिया कम है लेकिन उसकी डेंसिटी अगर देखा जाए तो पर किलोमीटर के हिसाब से उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो अभी ओरांग हो गया है, एट प्रेजेंट नहीं है काजीरंगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन राइनोसेरोस, इसको राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस बोलते हैं क्योंकि सिंगल हॉर्न है ये, इसके एक सींग होता है और वो उसकी स्किन का ही एक मतलब डेरिवेटिव है, वो अलग से हड्डी नहीं होती उसके अंदर, याद रखना आपको। तो वो ग्रेट वन हॉर्न राइनोसेरोस है और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, वल्नरेबल में है, इंडिया में 2314 के आसपास अभी प्रेजेंट में है, जो 2018 की गणना इसमें है, तो IUCN के लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये गलत है, ये वल्नरेबल है, तो तीनों इसमें गलत हो जाएंगे, डी नन इसका आंसर होगा।
ये देखिए सारा डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा डिक्लेयर किया हुआ इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके रिगार्डिंग यूपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन कि ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में क्वेश्चन पूछा था, और ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, तो ये बिल्कुल है, यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स वगैरह सब आते हैं। और 2413 जो है अभी की इसमें जनसंख्या है इन राइनोस की, जो कि वर्ल्ड ग्रेट वर्ल्ड हॉर्न राइनोसोरस इसको बोलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये सारा डिटेल यहाँ पर है। एलिफेंट ग्रास यहाँ पे मिलती है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट यहाँ पर है, और ब्रह्मपुत्र रिवर के जो बैंक है उसके ऊपर ही ये बसा हुआ है, थोड़ा सा साउथ में उसके पड़ता है, और ओरांग इसके नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ बैंक में ओरांग ब्रह्मपुत्र के, तो ये आर पार ही है मतलब नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के, ठीक है। ये है वर्ल्ड हॉर्न राइनोसोरस, और जो ओरांग है वो फेमस है इसी के लिए भी, वर्ल्ड हॉर्न राइनोसोरस के लिए भी। और दूसरा है पिग्मी हॉग, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्वेश्चन आता है इसके रिगार्डिंग, पिग्मी हॉग ओरांग में मिलता है, तो ये ओरांग के अंदर फेमस है ये वाला, वहीं पर ये बस मिलता है, ठीक है। तो ये आज के लेसन थे। और एक और इंपॉर्टेंट डिटेल से पूछ सकते हैं कि रिलेशन, एक वायसराय का रिलेशन था इससे, वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, और उन्होंने यहाँ पर काजीरंगा को एक रिजर्व्ड फॉरेस्ट का स्टेटस दिलवाया था 1 जून 1905 को। उनकी वाइफ जो थी मैरी कर्जन वो घूमने गई थी, उनको एक भी वहां पर गेंडा नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने इसको रिजर्व्ड एरिया घोषित कर दिया, और फिर उसको बाद में जाके ये नेशनल पार्क भी बन गया। तो ये इसके रिगार्डिंग हिस्ट्री आपसे पूछ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। थैंक्स अ लॉट। कीप